मुख्यमंत्री जी, एक बार फिर आपका स्वागत है अमर उजाला के मंच पर, और हमारे जितने भी मेहमान आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप सभी का भी स्वागत है। राइजिंग पंजाब की आज बात हो रही है इस सेशन में, लेकिन मैं अगस्त 2023 के इस समय से डेढ़ साल पीछे लेकर अपने दर्शकों को ले जाना चाहूँगी। तारीख थी 16 मार्च 2022, स्थान था पंजाब का खटखड़ कला गाँव, शहीद भगत सिंह का गाँव। मेरी भी मौजूदगी उस वक्त वहाँ थी जब उम्मीदों का एक नया सवेरा हो रहा था, और उस नए सवेरे में पंजाब के जो लोग शपथ ग्रहण में आए थे, पीली पगड़ी बांधे हुए, पीला दुपट्टा लिए हुए, बसंती चोगे के साथ आए, जिसकी अपील आपने की थी कि जो भी शपथ ग्रहण में आए वो पीला रंग धारण करके आए। उम्मीदों के उस सवेरे में उजले पंजाब दी गला सी, और आपने ये वादा किया था कि अहंकार के साथ काम नहीं करेंगे, राज्य को बनाने के लिए और देश को बनाने के लिए काम करेंगे। तब से लेकर अब तक डेढ़ साल का वक्त करीब करीब बीत चुका है, और आज जब हम राइजिंग पंजाब की बात कर रहे हैं, तो वो उम्मीदें जो उस दिन दिखाई गईं और जिन सपनों के साथ आपने मुख्यमंत्री पद को संभाला, वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई, किस हद तक पूरी हुई? अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आप रेट करिए, तो आपके कार्यकाल की तीन बड़ी उपलब्धियाँ जो आपने वर्तमान पंजाब को दी हैं। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला ग्रुप का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो उन्होंने पंजाब संवाद रखा है, जिसमें अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग यहाँ पर आएंगे, पूरा दिन बातचीत चलेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, कुछ नया निकलेगा। क्योंकि जब आप ग्रुप में कुछ अपने दिमाग एक दूसरे से बात करते हो, अपने दिमाग के आइडियाज़ दूसरे दिमाग के आइडियाज़ से मैच करते हैं, तब कुछ नया होता है। तो खुशी है कि मेरे सामने पंजाब के बहुत ही पंजाब को चाहने वाले और पंजाब को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले भी बैठे हैं। तो जहां तक आपने सवाल पूछा कि 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के गांव में शपथ ग्रहण हुआ था, असल में हमारे शहीदों ने जो सपनों में आज़ादी सोची थी, हम उनकी बात करने वहां गए थे। मैंने बहुत पढ़ा है शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में, आज़ादी की मूवमेंट के बारे में। अभी अमर उजाला के MD साहब बोल रहे थे कि 1.5% ज़मीन है, 2.5% GST है। एक और बात भी ऐड कर दूं मैं, 2% आबादी है देश की, 90% कुर्बानियां हैं देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो शहीदों की धरती है, हर गांव में आपको या तो किसी ना किसी शहीद का बुत मिलेगा, या किसी गांव में एंटर करते ही पहले गेट मिलेगा उसके नाम पर, चाहे वो आज़ादी से पहले वाले हों, चाहे आज़ादी को बाद में, आज़ादी को संभालने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिए वो। तो शहीद आजम भगत सिंह जी को कभी भी, जब वो लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, कभी भी ये चिंता नहीं थी उनको कि देश कैसे आज़ाद होगा। उनको ये पक्का पता था, कॉन्फिडेंस था उनको कि देश तो आज़ाद होगा, आज़ादी तो आएगी। लेकिन उनको एक बहुत बड़ी चिंता थी कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, और उनकी जो चिंता थी वो काफ़ी हद तक सही भी थी। 75 साल हो गए, अभी भी देश गलियों नालियों तक, सीवरेज के ढक्कनों तक, गांव में छप्पड़ों तक, चावल बांटने तक, अभी भी वहीं खड़े हैं हम तो। और जिन अंग्रेजों को, जिन फिरंगियों को इस देश से बाहर निकालने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, हमारा आज का युवा जो है
वो 30 लाख 40 लाख लेके घूम रहा है, माँ की बालियां बेच के, बाप की जमीन बेच के, अंग्रेजों के पास पहुंचने के लिए कि वहां पहुंचा दो। फिर उनको निकालने का क्या फायदा हुआ जी? फिर शहीद भगत सिंह को फांसी का रस्सा चूमने की क्या जरूरत थी? वो भी 90-90 साल की उम्र भोगते यहां पर धरती पे, क्या जरूरत थी उनको 23 साल की उम्र में अपनी बलिदान देने की? तो बात यह है कि सपने उनके हैं, सपने कोई भगवंत मान के नहीं है। विजन तो हमारे पास ऑलरेडी है शहीदों का, लेकिन उसको पूरा करने में अगर थोड़ा बहुत हम उनके कदम चिन्हों पर चले जाएं। तो आपने कहा 3 उपलब्धियां, फिर मैं वही कहूंगा, उसको उपलब्धियां कहोगे या मैं तो उपलब्धियां नहीं मानता उसको, मैं तो उसको फर्ज मानता हूं कि 1.5 साल में हमने, सबसे पहले तो हमने पहले दिन ही काम शुरू किया क्योंकि ऑलरेडी 70 साल लेट हो चुके हैं, और हर रोज ऑफिस जाता हूं। आज भी मेरे वर्किंग आवर आपने देखो 11 बजे बुला लिया मुझे, मेरा ऑफिस का टाइम है ये। तो नहीं, लेकिन जनसंवाद भी सीएम साहब को करना पड़ता है, पार्ट ऑफ ड्यूटी, ये भी ऑफिस का काम ही है मेरा, चलो दफ्तर का काम ही है। तो जितना हम एक्सपर्ट से जान सकते थे पहले उनको बुलाया, कैसे ठीक करना है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्योंकि समस्या यहां होती है, हल भी वहीं से निकलता है। बहुत से लोगों ने अपने अपने आइडियाज बताए। तो जैसा कि मैं अगर मैं कहूं कि इंडस्ट्री से शुरू कर लेते हैं, मेरे सामने बहुत एमएसएमई वाले, लुधियाना वाले सारे बैठे हैं, जलंधर वाले, इनसे आइडियाज लिए, इनको बोले, क्योंकि ये तो यहीं के हैं, बाहर से तो लाने को प्राप्ति बोल देती है कई बार गवर्नमेंट, लेकिन पहले जो जहां हैं, जो यहीं के हैं, उनको तो सर्वाइवल मोड में लेके आइए ना, वो ना कहीं उनके चक्कर में वो अपने खो बैठे। तो हमने इन्वेस्ट पंजाब किया जिसमें बहुत से इंडस्ट्रीज़ों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और आज वो जो एमएसएमई हमारे वाली भी ग्रो कर रही है, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनको पूछ के बताइए बनाई है। अगर उसमें कोई कमी भी रहेगी, कई कई चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद उसकी कमियां पता चलती हैं, तो हमने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें बता दो, दोबारा आप आइडियाज़ दे दो, उसको ठीक कर लेंगे, बहुत से सुझाव आते रहते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री को अपने पाँव पर खड़ा करना, दूसरा नौकरी हर कोई चाहता है, सरकारी हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। हमने 1 साल में 30,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दे दिए। बिजली का बिल हमने 0 कर दिया 600 यूनिट तक। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बिजली बोर्ड को करजई कर दिया, बिजली बोर्ड का भी सब्सिडी का पैसा पूरा दिया, क्योंकि हमने अपनी कोल माइन चलाई झारखंड में, पछवाड़ा में हमारी कोल माइन है पंजाब की, पहले बंद पड़ी थी, 7 साल बाद 15 की बंद पड़ी थी, 22 में हमने चलाई, हमारे पास कोयला सरप्लस हुआ, हमने थर्मल प्लांट चलाए, बिजली आम हो गई। तो हमने कहा अगर आप बिजली, पंजाब अगर बिजली पैदा करता है तो पंजाब में बिजली लोगों को मिलनी चाहिए। तो आज 80 से 90% के बीच घरों को बिजली का बिल 0 आता है। और अगर मैं कहूँ पिछले दिनों 12,000 से ज़्यादा कच्चे अध्यापक, वैसे अध्यापक के नाम पर कच्चे लफ्ज नहीं आना चाहिए, शिक्षक है वो, नेशन बिल्डर बोलते हैं उसको। अगर नेशन बिल्डर को अपने फ्यूचर की चिंता होगी, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या बनाएगा फिर? उनको वो बहुत ही मतलब निगुनी, बहुत ही कम तनख्वाहों पे काम कर रहे थे, वेतन उनका 3-3 गुना वेतन बढ़ा के उनको रेगुलर किया। और फिर हमने कुछ आइडियाज ऐसे लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी हैं हमारे, जैसा कि हमने, अगर इंडस्ट्री के लिए बोलूं मैं, बहुत ही ज़्यादा खज्जल खुआरी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, सरकारी दफ्तरों की होती थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, पहले वो ज़मीन लेता था, उसके बाद सीएलयू के लिए उसको कई बार मतलब 8 महीने भी 10 महीने भी, डिपेंड कि सामने वाला अफसर कितने मांगता है, इस पर डिपेंड करता था। फिर उसके बाद फायर वाले आ जाते थे, फिर फॉरेस्ट वाले आ जाते थे, फिर पोल्यूशन वाले आ जाते थे, मतलब उसको 2 साल हो गए, उसने
करोड़ों रुपया लगा के जमीन ले रखी है लेकिन वो अपनी फैक्ट्री नहीं बना पा रहा। तो हमने जब मिलके सबने बातचीत की तो एक आइडिया निकाला, देश में पहला स्टेट है पंजाब जिसने ये आइडिया जो लागू कर दिया। हमने स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग कर दी, अस्टाम जो है वो अलग अलग रंग के कर दिए। अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है आप जगह खरीदो मत, जगह आइडेंटिफाई कर लो। आपने कहीं राजपुरा के पास 20 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई कर ली, मालिक के साथ बात हो गई, ठीक है। आप इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में आइए या उसके पोर्टल पर जाइए, आप हमें बता दीजिए जो जमीन है मैं इंडस्ट्री के लिए लगानी चाहता हूँ। हमारे पोल्यूशन वाले, CLU वाले, फायर वाले सारे वहां पे जाएंगे, उसको 15 दिन हम वर्किंग डे लेंगे, 15 दो हफ्ते, और उसकी सारी क्लीयरेंस देके फिर आपको बुलाएंगे। जमीन बेचने वाले को बुला लो, वहीं इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ही तहसीलदार बिठा रखा है, वहीं पे आपकी रजिस्ट्री होगी। आपको क्या करना होगा, हरे रंग का स्टैम्प पेपर खरीदना होगा, वो थोड़ा महंगा होगा क्योंकि उसमें CLU के चार्जेस, उसमें फायर के चार्जेस, उसमें सारे चार्जेस जो हैं जो NOCs के हैं वो इंक्लूडेड होंगे। और जिस दिन तहसीलदार, 16वें दिन तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी, 17वें दिन आप भूमि पूजन करके अपनी फैक्ट्री की पहली ईंट लगा सकते हो। कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट को, कोई उसको किसी ऑफिस में नहीं जाना, वहीं पे तहसीलदार मिलेगा। मतलब रजिस्ट्री करवाने के लिए भी आपको कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, इन्वेस्ट पंजाब का अलग से तहसीलदार बना दिया हमने ऐसी हाउसिंग के लिए, उनका रेड कर दिया, ठीक है। एक और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था, गर्मी 10 में से कितने नंबर, मई में गर्मी शुरू हो जाती है, 10 में से कितने नंबर, किसको, 1.5 साल के कार्यकाल को, मैं खुद ही नंबर दूं। ये तो कच्चे पेपर हो गए, फिर पक्के पेपर में कोई और नंबर देता है, फिर रिजल्ट देखने जाते हैं हम। सो ये राजनीति जो है ना, पक्के पेपर है ये, इसमें नंबर जनता देती है, वो तो हम तो रिजल्ट देखने जाते हैं कि क्या पास हो गया या फर्स्ट आ गया, लेकिन नंबर के अनुमान भी तो आ जाते हैं ना पहले। नहीं, नंबर मैं नंबरिंग में नहीं पड़ता, मैं तो कहता हूँ काम करो, इसको जनता के काम करो, करते जाओ। वो है कि जितनी देर आप रीवन को टच नहीं करते उतनी देर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और अपनी तरफ से बेस्ट करोगे रिजल्ट भी बेस्ट आएंगे। तो उम्मीद है कि पंजाब को रंगला बनाने का जो हमारा सपना है वो पूरा हो रहा है। आपके सामने मैं कुछ नंबर्स रखना चाहूंगी क्योंकि अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जो रोजगार से लेकर एजुकेशन, और खास तौर पर जब आप लोग पंजाब में चुनाव लड़ रहे, तो दिल्ली मॉडल की बड़ी चर्चा थी कि एजुकेशन और हेल्थ का जो मॉडल जिस पर हमने काम किया वही हमारा आधार है जिसके साथ हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े 2016 से 2021 तक के हैं, लेकिन चिंता पैदा करते हैं ये आंकड़े, जिसके मुताबिक पंजाब और चंडीगढ़ से दूसरे देशों में 1,000,000 लोग गए हैं, 1,000,000 करीब, और इन 1,000,000 में से 4,00,000 सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, बाकी 6,00,000 ऐसे लोग हैं जो जॉब्स के लिए और बाकी काम के सिलसिले में गए हैं। लोकसभा में सरकार ने ये जवाब दिया, हालांकि ये आंकड़ा 2016 से 2021 तक के बीच का है, लेकिन क्योंकि अभी सरकार में आप हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए भी ये एक चिंता और एक चुनौती है कि पंजाब का यूथ अगर पंजाब की ज़मीन को छोड़कर बाहर जा रहा है, जिसके लिए एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि घर से जब कोई बच्चा बाहर जाता है, विदेश जाता है, तो एक वो स्टेटस सिंबल भी होता है, एक एम्पावरमेंट उस फैमिली को मिलती है, लेकिन अगर उसकी वजह से ब्रेन ड्रेन इस कदर हो रहा है कि पूरा का पूरा यूथ वहाँ इतनी बड़ी संख्या में मूव हो रहा है, कैसे आप उसे रोकेंगे और क्या उसका ब्लूप्रिंट आपके पास है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है बहुत देर से है, हमारा टैलेंटेड यूथ जो है वो बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको एजुकेशन मिल जाती है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियरिंग तो वो कर लेंगे, पंजाब से भी कर लेंगे, पूना से कर लेंगे, बेंगलोर से कर लेंगे, लेकिन उस डिग्री के मुताबिक उनको यहाँ जॉब नहीं मिलती। डिग्री बड़ी है, जॉब ऐसी है कि वो मेंटली टॉर्चर होने लगते हैं। फिर माहौल ऐसा है, जो आपने बात कही है 2016 की ना, 2016 से 2021 तक, 2016 से 2021, अगर गवर्नमेंट जिसको चुना है उम्मीदों से, हमेशा वोट उम्मीद को डलते हैं कि उम्मीद है इनसे, ये उम्मीद है, अगर उम्मीदें
कायम रखने वाले ही आपको हर रोज 3 बार स्टेज पर जाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर नेगेटिव बातें कहें कि खजाना खाली है, खजाना तो खाली है, खजाना तो खाली है। अब 2016 से 2021 तक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने खजाना खाली के बिना और कोई लफ्ज ही नहीं बोला। तो फिर यूथ कहता है अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है, अगर चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है खजाना खाली है, तो हमारे लिए क्या बचा यहाँ? चलो चलते हैं कहीं ना कहीं। वहाँ जाके कोई ईजी लाइफ नहीं है, वहाँ जाके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वेदर हमारे अनुकूल नहीं है, भाषा हमारे अनुकूल नहीं है, माहौल हमारे अनुकूल नहीं है। हर रोज डेड बॉडीज़ के लिए अभी भी हमको फ़ोन करने पड़ते हैं, वहाँ कोई मौत होगी किसी कारण बस। सो रिवर्स इमिग्रेशन हमारा बड़ा बड़ा टीचा है। हमने जॉब्स यहाँ शुरू कर दी, अब मेरे पास हर रोज दो तीन, कम से कम दो तीन लोगों के तो फ़ोन आते हैं कि हम कनाडा जाने की सोच रहे थे, हमने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि हमें यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ऐसे भी हैं कि हम छोड़कर यहाँ आ गए। लेकिन, तो लेकिन आपको लगता है कि एक्शन से अलग परसेप्शन के लिहाज से भी काम करने की जरूरत है कि यहाँ पर मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे? देखो मौकों की तलाश में ही जाते हैं ना वो। अगर मौके यहीं पे मिल जाएं, अगर यहाँ टाटा स्टील आ गया, आ रहा है जो लुधियाना में अपना प्लांट लगा रहे हैं, यहाँ फ्रेडनबर्ग आ गई, यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री जो है मंडी गोविंदगढ़ की इंडस्ट्री, लुधियाना की हौजरी की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, जलंधर की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, अमृतसर की, अगर वो उनको तरक्की हो जाए, उनकी उनके यूनिट बड़े हो जाएं, तो उनको जरूरत पड़ेगी टैलेंटेड यूथ की। तो टैलेंटेड यूथ है यहाँ पे, यही हमारे वाले लड़के ही जाके वहाँ काम करते हैं ना। इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेट मी फिनिश। माइक्रोसॉफ्ट में 50% से ज्यादा इंजीनियर पंजाब भारतीय हैं, बोइंग में 60% इंजीनियर भारतीय हैं, उसमें से 70% अकेले जीएनई के हैं, गुरु नानक देव इंजीनियर कॉलेज जो लुधियाना में है। बोइंग में इंजीनियर जो जहाज बनाते हैं, हमारा यूथ पढ़ लिख के उनके जहाज बना रहा है, तो हम यहाँ क्यों नहीं जहाज बनाते उनको? अगर वो है ही खुद ही जहाज हैं वो, तो उनको रोकने का, उनको यहाँ पे रहने का, उनका दिल भी करता है यहाँ रहने का। जितने भी NRIs गए हैं ना पंजाब से बाहर, चाहे वो बहुत बड़े बड़े उन्होंने बिजनेस बना लिए, अमीर हो गए, अंग्रेजों से भी अमीर हो गए, बिजनेस और गाड़ियाँ सब आ गया, लेकिन उनका शरीर गया है, उनका मन यहीं रहता है। हर दिवाली को, हर लोहड़ी को, हर दशहरे को, बैसाखी को वो यहाँ आते हैं, वो अपने रिश्तेदारों की शादियों में आते हैं, यहाँ आके वो अपनों में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ माहौल तो मिले ना रहने का। इसीलिए 1.5 साल में हमने ये प्राप्ति की है कि रिवर्स इमिग्रेशन होने लगी है। अब हमारे पास हर रोज कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई फोन आता है कि हम जाके यहाँ काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हमारा यकीन बन चुका है, बात यकीन की है। ये है कि मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं आप? क्या बोले? मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं आप? मुझे आवाज नहीं, मैं भाई नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। मोदी जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी का विश्वास है उस पर? मोदी जी को तो खुद बाहर से इधर लाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है? वो खुद बाहर रहते हैं ज्यादा, तो मोदी जी को भी रिवर्स इमिग्रेशन की जरूरत है कि भारत भी आइए कभी कभी। तो ये आत्मनिर्भर भारत तो पहले ही था, बताइए कौन किस पर निर्भर था? भारत तो पहले ही आत्मनिर्भर था, लेकिन आत्मनिर्भरता वक्त के मुताबिक बदलती रहती है। अब खेती पर निर्भर नहीं रहा ना किसान, उसके बेटे को कुछ अलग चाहिए, उसको कोई अलग से कहीं और से इनकम आनी चाहिए, ताकि कोई अगर कोई जैसे अभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा हो गया, तो सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट है तो उसका घर बर्बाद हो जाता है। जनरेशन चेंज हो गई है, अभी हम चर्चा कर रहे थे, हर फील्ड में जनरेशन चेंज हो गई है। देखो कितने यंग MD साहब आए, बोल के चले गए, जर्नलिज्म की जनरेशन चेंज हो गई, पॉलिटिक्स की जनरेशन चेंज हो गई, बॉलीवुड की जनरेशन चेंज हो गई, इंडस्ट्री की जनरेशन चेंज हो गई, और नई जनरेशन है वो अपने हिसाब से सोचती है, उनके पास आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हैं, वो वही वाला काम नहीं है, कुछ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वही ट्रेडिशनल वे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। हमने एक आइडिया निकाला
अफसरों को मैंने बुलाया, मैंने कहा भी एक काम करते हैं, क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं, एक तो डे लाइट सेविंग हो जाएगी, दूसरा हमारी बिजली की बहुत बड़ी सेविंग होगी। हमने दफ्तरों का टाइम जो था ऑफिस का, पहले 9 से 5 था, हमने 7:30 से 2 कर दिया। थोड़े दिन तो बाबुओं को थोड़ा मुश्किल हुई सुबह उठने में, तो लेकिन जैसे उनको ये पता चला कि सुबह सुबह जाते हैं, 2 बजे वापस आ जाते हैं, 2 बजे बच्चों को छुट्टी होती है, 2:30 बजे बच्चे घर आ जाते हैं, 2:30 बजे माँ पे जो है घर आ जाते हैं, और परिवार में अच्छा टाइम बिताने को मिलता है। और इतना कामयाब रहा वो कि हमने 10,500 से ज़्यादा मेगावाट बिजली बचाई, 17 करोड़ रुपया सरकारी दफ्तरों का बिल बिजली का कम हुआ, और साथ में लोगों का सुबह सुबह जाके 7 बजे 8 बजे 9 बजे दफ्तर गए, काम करवाया और उसके बाद अपने काम पे चले गए। पहले 9 और 5 में क्या था, उसमें 1 बजे लंच भी था, लंच का 1 घंटा था, लेकिन 1 घंटे में लंच होता नहीं है, सरकारी लंच है ना, तो फिर उसके बाद लंच के बाद थोड़ा तुरना चलना भी होता है, फिर उसके बाद चाय की बारी भी आ जाती है, 10-15 मिनट वो तीली लेके टूथपिक लेके भी, वो लंच 3 बजे तक चलता था। हमने कहा जी लंच आप साथ में ले आओ, आराम से जा घर जाके खा लेना वापस जाके, तो 7:30 से 2 बजे तक नो लंच, काम करके चले जाओ। बहुत ही कामयाब रहा, क्योंकि हमने ये 31 जुलाई तक किया था। जैसे हमने बदलने के बारे में अनाउंसमेंट की तो हमें मुलाजमों के भी फोन आए कि तरीका अच्छा था सर, इसी को आगे रख लेते। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इसको बढ़ा देंगे। लेकिन इससे फायदा हुआ और बड़े बड़े दुनिया के अखबारों ने ये कहा कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, वही बने बनाए रास्तों पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो वो व्यंगकार है ना आपके भीतर का, वो आ तो जाता है बीच बीच में अचानक से, रहते ही यहाँ है, आ क्यों जाता है? अच्छा ये बताइए, जब आप व्यंगकार थे, सटायर रचते थे, तो नेता और उनके काम करने के तरीके हमेशा आपके निशाने पर होते थे। अब आप खुद उस गद्दी पर हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी असहज हो जाते हैं कि व्यंगकार को हावी होने देना है या नेता को हावी होने देना है? जब मैं नेताओं पर स्टायर करता था, सिस्टम पर स्टायर करता था, राजनीति पर स्टायर करता था, तो लिखता तो मैं खुद ही था ना, इसका मतलब मेरे मन में ये था कि ऐसा ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, इसलिए मेरा ही लिखा हुआ मेरे सामने आज। तो अगर मैं नेता की भूमिका में हूं तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं स्टायर करता था उसमें नेताओं पर, जिस बात पे स्टायर करता था कि ये वो मुझे नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, कि हिंदी का एक हिंदी का अक्षर है खाते। अब ये दोनों तरफ से यूज हो जाता है, दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाता है। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं, ठीक है ना? तो एक हमने किया था, वो भी आजकल बहुत मतलब प्रैक्टिकली वो लागू है, जो मैंने सीडीज में कैसेट्स में बोलता था कि एक जमाना था हमारे देश की पॉलिटिक्स ईमानदार थी, अच्छे पॉलिटिशियन थे, अंतरात्मा की आवाज सुनते थे, अगर कोई घटना होगी इस्तीफा भी दे देते थे कि जिम्मेदार अपने आप को मान के। तब जो पार्टी के नेता थे अपने प्रधान के घर पे जाके कहते थे, नेताजी प्रधान जी मुझे इस इलाके से टिकट दो, क्योंकि इस इलाके के लोग मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब कहते आज भी यही हैं, मैं भी प्रधान जी हूं, पार्टी का प्रधान हूं पंजाब का, कहते आज भी यही हैं टिकट मांगते समय, लेकिन उल्टे काम के लिए कि प्रधान जी मुझे इस इलाके से टिकट मत दो, क्योंकि इस इलाके के लोग तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मतलब लोग मुझे जानने लगे हैं, मुझे कहीं और दे दो जहां मुझे लोग ना जाने मेरी करतूतों को। तो ये जो सिस्टम पर स्टायर था वो आज मेरे काम आ रहा है। मैंने उनको कहा है, सबको कहा है मैंने, अरविंद केजरीवाल जी भी सबको कहते हैं, हमको हमारे प्रधान पार्टी के वो कहते हैं कि भाई लोगों में जाओ, लोगों में रहो, लोगों ने भेजा है,
और लोग कभी वापस ले सकते हैं। और जो पेन है वो लोगों का पेन है, किसी और से लेके पेन आपको दिया अगर तो लोगों के पक्ष में चलेगा, लोग आपके साथ रहेंगे। अगर अपने चेले चपटों के साथ या अपने रिश्तेदारों के लिए चलाओगे सिफारिश या पैसे लेके चलाओगे तो लोग पेन को वापस ले लेंगे, वो अलग बात है। लोगों को वापस लेने में 4-5 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर जनता छोड़ती थोड़ी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि व्यंग विधा जो अपने आप में है और देश और समाज के निर्माण में या उसको सही करने में जो व्यंग का योगदान है उसके प्रति आज आप आज भी आप उतने ही मुखर हैं, मुझे अच्छा लगा ये देखकर। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो आपको ले रहे हैं ज़बरदस्त निशाने पर। आपके जो ये 1.5 साल का करीब कार्यकाल रहा उसमें रोज़गार या पंजाब में नशे की व्यवस्था जो जो परेशानियाँ हैं उससे अलग लॉ एंड ऑर्डर में ख़ासतौर पर आतंकवाद और गैंगस्टर्स, ये जो एक घालमेल दिखा, जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ अमृतपाल का, उन्होंने ये आरोप लगाया आप पर कि अमृतपाल कैसे खड़ा हुआ, कैसे उसने सिस्टम को अपने आगे झुका दिया और सरकार इसके आगे क्यों फेल हुई। आप उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं थे, ये आपके विरोधी बीजेपी के तमाम नेता हर डिबेट में हर पैनल डिस्कशन में आरोप लगाते रहे। और ख़ासतौर पर जो पंजाब की स्थिति है, बॉर्डर स्टेट है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस राज्य को संभाल नहीं पाएगी। जब ये आरोप आप पर लगते हैं आप उसको कैसे देखते हैं और कैसे उसका जवाब देंगे? हम तो 1.5 साल से हैं जी, 1.5 साल से सत्ता में हैं। सारे गैंगस्टर 1.5 साल में बन गए? बीजेपी वालों को पूछना, जब वो अकाली दल में थे तब जेलों में गैंगस्टर जो है कौन पालता था? कांग्रेस को पूछना कितने गैंगस्टरों के साथ आपके नाम जुड़ते हैं, जेलों में उनको कौन पालता था? अब पुष्ट पनाही बंद हो गई है, जो गैंगस्टर जेलों में बंद हैं या कहीं भी, उनको कोई राजनीतिक पुष्ट पनाही नहीं मिलती। ना ही मैंने कोई माफिया बनाया है, ना ही मैंने कोई चिट्टा बेचना है, ना ही मैंने बसें खरीदनी है, ना ही मैंने कोई रेते की खड्डों में हिस्सा डालना है। हिस्सा डालना है तो लोगों के दुखों दर्दों में डालना है। नंबर दो पे आपने कहा कि अमृतपाल का, उसमें फेल कैसे हो गए हम? आपको पता है कि चलो वो उसकी जो गतिविधियां थी वो मतलब कानून के मुताबिक नहीं थी, तो उसको जब उसके साथियों को, मेरे DGP अभी बैठ आपके पास आएंगे मेरे ख्याल में, उनको देख के हमने बड़ा पीसफुली, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया, कोई ईंट पत्थर नहीं चला, एक बूंद भी कोई खून की नहीं गिरी, हमने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और पंजाब जो है वो जिमें कहें कि पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, पंजाब को वसदा है, इसमें फेलियर कहाँ है जी? फेलियर पूछना है ना हरियाणा वालों से, पूछना क्या हो रहा है नू में, फेलियर पूछना है ना ऊपर वालों से, पूछना क्या हो रहा है मणिपुर में। जब रामनवमी का कोई सभा निकलती है तब पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंसा, पंजाब में कभी नहीं होती। मैं आपको पंजाब के बारे में बताता हूँ, पहली बार है कि जवाब दे रहा हूँ और सुन नहीं रहे। नहीं नहीं आपका ही जवाब सुनेंगे, बस एक मेरी बात तो सुनो, मेरी बात आपकी बात, मैं एक बात जोड़ूंगी, मैं बस एक बात जोड़ूंगी जी, जोड़िए आप उसका कंप्लीट करिएगा। देखिए आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई, क्योंकि लोगों का मन जो पारंपरिक प्लेयर्स थे राजनीति के, चाहे वो बीजेपी है कांग्रेस है, उनसे मन भर चुका था, इसलिए अवसर दिया। तो जब हम ये कहते हैं कि इससे पहले वाले ऐसा करते थे वो ऐसा करते थे, तो जनता की एक उम्मीद तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो आप आए हैं अभी तो वो पहले वालों से बेहतर हो, कुछ घटना हो गई, बस यही चुनौती। एक घटना हो गई ठीक है जी, सिद्धू मूसेवाले का बड़े सिंगर थे उनका उनका मर्डर हो गया, तो एक घटना बस, बस इनको काम नहीं करना था। तो इन मैं फिर कहूँगा इनके राज्य में कितनी घटनाएं हुई थी, उन्हीं से तंग आके तो हमारे पास लोग आए हैं। और हम पंजाब को पीसफुल एटमॉस्फेयर देने में सबसे बड़ा हमारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होता ना मैडम तो टाटा स्टील यहाँ पे ना आता, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होता जर्मनी की, अमेरिका की, जापान की कंपनियाँ यहाँ ना आती, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ वहीं आता है जहाँ माहौल ठीक होता है। वो अपनी फैक्ट्री को उठा के नहीं लेके जा सकता कि मैंने 50 करोड़ का इन्वेस्ट किया था, ये माहौल खराब हो गया, मैं 50 करोड़ उखाड़ के ले जाऊंगा कहीं मध्य प्रदेश में या कहीं। सो मेरा कहने का मतलब है पंजाब ऐसी स्टेट है जहाँ पे जमीन इतनी जरखेज है, इतनी फर्टाइल है, कोई भी बीज बोगे उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज पंजाब में उग नहीं सकता। पंजाब की जो भाईचारक सांझ है
जो हमारे सोशल बॉन्डिंग है ना वो इतनी स्ट्रांग है, इस पे एके 47 भी चली 10 साल, इस पे बम भी चले, लेकिन ये भाईचारा टूटा नहीं है हमारा, ये भाईचारा हमारा टूटता नहीं है। इसीलिए आज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये करते हैं ना वहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है, ये इस बरादरी के, ये इनके, इनको इससे लड़ा दो, इनको इससे लड़ा दो, ये इसका नाम सरनेम ये है इसलिए इसको ये टिकट दे दो, इसका सरनेम ये है इसको यहाँ से टिकट दे दो। मैं सरनेम की बात बताता हूँ पंजाब की, आज की। आनंदपुर साहब हमारे 5 तख्तों में से एक तख्त है, तख्त श्री केसगढ़ साहब, यहाँ से 50 किलोमीटर है। आनंदपुर साहब के नाम पे हमारे सिखों के 5 में से एक तख्त के नाम पे लोकसभा की सीट है। श्री आनंदपुर साहब से एमपी कौन है? मनीष तिवाड़ी। देखो कोई इसमें आपत्ति तो नहीं है किसी को। फरीदकोट सीट है, मुश्किल से सारी फरीदकोट में 10,000 15 लाख में से 10,000 मुस्लिम होंगे। वहां से एमपी कौन है? मोहम्मद सदीक। हमारे यहां लास्ट नेम नहीं देखा जाता, हमारे यहां पंजाब है, पंजाब हमेशा गुरुओं के नाम पे, और हमारे गुरुओं ने जुल्म के लिए दूसरों के लिए लड़ाई लड़ना हमने समय सिखाया है। जब वहां पे डिबेट चल रही थी पार्लियामेंट में, मैं एमपी था, एक घंटे का भाषण दे रहे थे, ये बरादरी वो समाज ये, तो रात के 10 बज गए जो एनआरसी पे डिबेट चल रही थी, तो मैंने कहा जी मुझे भी टाइम दो। कहते नहीं जी छोटी पार्टियां बस बहुत हो गया, बिल पास करना है। मैंने कहा स्पीकर साहब 30 सेकंड दे दो बस। तो थोड़ा स्पीकर साहब मेरी तरफ देखा उन्होंने, कहते 30 सेकंड? मैंने कहा 30 सेकंड। 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा मेरे 30 ही बोलते हैं, आप स्टॉप बाच ले लो, 30 सेकंड दे दो। कहते ठीक है चलो आपका समय शुरू होता है अब। मैंने ये बात बोली, मैंने कहा स्पीकर साहब मैं तो यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और उसके बाद स्पीकर साहब कह रहे हैं अभी तो 15 सेकंड ही हुए हैं। मैंने कहा जी बाकी 15 अगले भाषण के लिए रख लेना, अगर दिल से बोलना हो तो घंटों की जरूरत नहीं होती, अगर काम दिल से करना है तो वो कोई भी बात दिल से निकलती है, असर रखती है। दिल से प्यार करते हैं जी पंजाब को, ऐसे कैसे हम इस पंजाब को अपनी आंखों के सामने उजड़ता देखेंगे या उसको खून खराबा देखेंगे? पंजाब इज़ अ पीसफुल स्टेट और हमेशा रहेगी, और पंजाब पीसफुल रहेगा तो देश पीसफुल रहेगा। आज भी हमारे हज़ारों जवान हमारे कारगिल की पहाड़ियों में खड़े हैं, देश की आज़ादी को पहली गोली जब आती है ना इधर दुश्मन की, तो सबसे पहले पंजाब के सीने होते हैं उनके सामने। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ उस ये स्टेट जो है, ये चाहे फुटबॉल कह लो चाहे कुर्बानियों की बॉल कह लो जो मर्जी, लेकिन पंजाब जो है वो देश का नंबर वन स्टेट बनाना है, और नंबर वन स्टेट जब बन गया देश का तो देश भी नंबर वन बन जाएगा दुनिया का। देखिए हिंसा की घटना हो अपराध की घटना हो कोई एक घटना भी बर्दाश्त नहीं, कानून का वो इकबाल होना चाहिए। और राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से जब भी शब्द आते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आम जनता भी उससे आश्वस्त होती है। लेकिन अब मैं पंजाब से आगे बढ़ के थोड़ा सा सेंटर की तरफ जाना चाहूँगी, क्योंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और दिल्ली सेवा बिल को लेकर एक जो है पूरी तस्वीर वहाँ पर खिंची हुई है। लोकसभा से पास हो चुका है और आज राज्यसभा में पेश होना था, अभी मेरी आखिरी जानकारी तक आज पेश होना था, अभी पता नहीं पेश हुआ या नहीं है। तो आज वो बिल वहाँ भी पेश होना है। और दिल्ली सेवा बिल को लेकर जो विपक्ष के बीच एक स्थिति दिखाई दे रही थी कि ये कम से कम 2024 से पहले पहला ऐसा लिटमस टेस्ट होगा जिसमें ये तय हो जाएगा कि एक संयुक्त विपक्ष, एक यूनाइटेड ऑपोजिशन कितनी पावर के साथ सत्ताधारी पक्ष के साथ में, सत्ताधारियों के साथ में लोहा ले सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपना फ्लोर मैनेजमेंट इस तरह से कर दिया कि अब राज्यसभा से भी बिल पास होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं होगी। यानी जो लड़ाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे वो उनके पाले से खिसक कर दूसरे पाले में जाती हुई ज़्यादा दिख रही है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी, उनकी भूमिका एक यूनाइटेड ऑपोजिशन के रूप में क्या होगी? देखिए ये सबसे पहले तो इसको आप दिल्ली का बिल ना कहिए, ये संविधान की रक्षा का सवाल हो गया है, लोकतंत्र बचाने का सवाल पैदा हो गया है।
ये किसी के साथ भी हो सकता है। इससे पहले उन्होंने किया, सेंट्रल सरकार ने किया, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, महाराष्ट्र में देख लो क्या किया, और गोवा में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया। उनको आदत है ये, अगर खुद नहीं जीतते तो बाई इलेक्शन से जीत लो, दूसरों के खरीद लो, फिर उसके बाद बाई इलेक्शन करवा लो, फिर जीत जाओ, कहो जी लोगों का फतवा है। अगर वो वाला काम भी नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा हैं कि खरीद नहीं सकते, तो फिर दूसरी तरफ से कोई ना कोई ऐसा ऑर्डिनेंस ले आओ कि उसकी शक्तियाँ छीन लो। अभी लोकसभा में बिल पेश हो रहा, जब जिस दिन हुआ, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि जो दिल्ली है ये विधानसभा भी नहीं है, यूटी भी नहीं है। अगर दिल्ली विधानसभा नहीं है तो 2015 में किरण बेदी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों लाना था फिर, जब विधानसभा ही नहीं है, मुख्यमंत्री क्यों होगा फिर वहां पे? अगर दिल्ली विधानसभा नहीं है तो गृह मंत्री साहब 2020 में डोर टू डोर पर्चे क्यों बांट रहे थे वोटों के लिए? इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है फिर? अगर चुनी हुई सरकार और इतने बड़े मैंडेट से चुनी हुई सरकार, उसको आप काम नहीं करने दोगे, वो फैसला नहीं ले सकते। मतलब इस बिल में ये भी है, चपरासी भी बदलना होगा ना दिल्ली का, तो प्रधानमंत्री जी बदलेंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी को देश के बारे में सोचना चाहिए, विदेश नीति के बारे में सोचना चाहिए, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, बहुत बड़े बड़े काम हैं। दिल्ली के चपरासियों को तो छोड़ देना, वो केजरीवाल कर लेगा ना, इनके नाम पे नहीं। मतलब आप चुनी हुई सरकार को कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते, हम करेंगे, ये तो फिर अच्छा। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के मैंडेट से, 5 जजों का बेंच था, 5 ने ही कहा कि हाँ चुनी हुई सरकार को ये हक होना चाहिए, उसको भी आप नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेके आते हो बिल के, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, और कब लाते हो? टाइमिंग देखो, 11 मई को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, पूरा एक हफ्ता 18 मई को 8 बजे ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि 18 मई को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी, तो जुलाई 1st वीक में खुलनी थी। उनको पता था अगर 12 को 13 को लाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, दोबारा स्टे ना मिल जाए। तो ऐसी मैनेजमेंट, क्या हमने मैनेजमेंट करने के लिए इनको चुना है? कहाँ गया वो 15 लाख? आपके खाते में तो आ ही गया होगा, किसी के खाते में आया है? नहीं आया ना, पूछ लो पंजाब का, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ हर खाते की, कि यहाँ तो नहीं आया जी। कहाँ गया वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल? कहाँ गया वो मतलब किसानों की आय दुगनी कर देंगे? तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, कुछ नहीं छोड़ा। मतलब मैं लेकिन आप सवाल भूल गए मेरा। मेरा सवाल ये था, ये तो जो आपने बातें बोली वो एक आदर्श स्थिति है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हो तो रहा है। अब सवाल ये है कि 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी के आगे कौन सा होगा विपक्ष का चेहरा जो उनसे लोहा लेगा, या उनके आगे फेस होगा यूनाइटेड ऑपोजिशन का, आपकी नजर में? 140 करोड़ लोगों को आप चेहरा नहीं मानते? एक ही चेहरा होता है। 140 देशभक्त लोग हैं एक तरफ, और क्योंकि लोगों को इतना डरा रखा है, इतना ज़्यादा, मतलब कोई अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, चल जेल में, चल तेरे खिलाफ ये हो गया, चल, किसी को कुछ मानते नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल वो फेस होंगे हैं जी, अरविंद केजरीवाल वो चेहरा होंगे 2024 के लिए यूनाइटेड ऑपोजिशन का? देखो, पब्लिक चेहरा चुनेगी जी, चेहरा पब्लिक का होता है। ये तो ऑपोजिशन को चुनना पड़ेगा ना, लेकिन आपके सामने कौन बैठा? मैं चेहरा था पंजाब का? नहीं, मेरे बारे में पूछा गया था, 1 हफ्ता दिया पूरा, व्हाट्सएप नंबर दिया, उसमें से लोगों ने कहा भगवंत मान चाहते हैं हम, मेरा नाम अनाउंस हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? अबे मुख्यमंत्री लोगों को पूछ के बताना होता ना, लोगों पे थोप दिया जाता है, वरना ये होगा जी। अब अमरिंदर सिंह को वोट डले थे 17 में, बीच में 3 महीने के लिए चन्नी कहाँ से आ गए? वो लोगों ने कहा था कुछ नहीं, ये अपने आप ही चलाते हैं। अब इसको बदल लो, इसको ले आओ, इसको बदल लो, इसको, ये शतरंज वाली गेम जो है ना, ये लोग सब समझते हैं। 2024 में मुख्यमंत्री का चेहरा और ऑपोजिशन का चेहरा, जो एक यूनाइटेड लड़ाई होगी, इन दोनों बातों में फर्क है। मैं उस लिहाज से पूछ रही हूँ कि क्या
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन को लीड करते हुए हमें दिखाई देंगे 2024 में, उनका क्या रोल होगा, उनकी क्या भूमिका होगी? देखो, ऑपोजिशन बन गई है हमारे देश को बचाने के लिए। वो कहीं हो सकता है किसी पार्टी का स्टेट में किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन देश बचेगा तो पार्टियां बचेंगी ना। अगर देश ही ना रहा, संविधान ही बदल दिया इन्होंने, अगर ये पुतिन वाले रास्ते पर चले गए तो फिर क्या करनी है पार्टियां यहाँ पे। तो इसलिए सबसे पहले 140 करोड़ लोगों का और हमारे पुरखों की कुर्बानियों का देश जो है उसको बचाने की जरूरत है। दूसरी तरफ चेहरा, हर पता नहीं मतलब क्या कोई दिक्कत है मीडिया वालों को, हर बातें पूछते चेहरा। हरियाणा में चेहरा कौन था खट्टर से पहले? वहां उत्तरांचल में चेहरा कौन था? महाराष्ट्र में चेहरा कौन था? बिहार में चेहरा कौन था? तब कहते हैं मोदी जी, जब हार जाते हैं कहते हैं लोकल हारे हैं। अगर मोदी जी लड़ते हैं और हार जाते हैं कहते हैं ये तो फिर लोकल टीम की हार हो गई, जीत गए मोदी का जादू, मोदी का जादू। हम 92 जीत गए, अभी तक आपने बात नहीं की, 92 out of 117 अभी तक बात नहीं की। हाँ, तमिलनाडु में बीजेपी एक सीट जीत गई, पूरा दिन तमिलनाडु में खाता खुल गया। यार खाता खुल गया, हमारे वाले खाते को खाता नहीं मानते, वो तो वो बात हो गई। हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तो हमारे वालों को क्या विधायक नहीं मानते, हमारे वालों को एमपी नहीं मानते, तो हमारे वाले भी तो जीते हैं, मैं भी तो जीतता रहा हूं दो बार ना जी, हमारी बात नहीं करते। भगवंत मान भी जीते, हमारा तो इतना आता है जो इतने 10 सेकंड में 100 खबरें उसमें आता है, भगवंत मान संगरूर से जीते। चलो, इतना बड़ा इंटरव्यू आज यहाँ पर हो रहा है, सबसे पहला सेशन मुख्यमंत्री का हो रहा है, इससे बड़ी और क्या तस्दीक होगी इस बात की। लेकिन खैर, ऑपोजिशन को लेकर सवाल इसलिए था क्योंकि ये परेशानी इसलिए होती है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, ममता बनर्जी चेहरा होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, अखिलेश यादव होंगे, उसके इर्द गिर्द जब पूरी पॉलिटिक्स चलती है तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये मैं जानना चाह रही थी। बट शायद आप अभी पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं या आप इस पर कॉमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी। आपने जिक्र किया कि कैसे संविधान से सरकार छेड़छाड़ कर रही है और जो देश का ढांचा है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाइयां जा रही हैं लेकिन वो लड़ाइयां कई बार अपने अंत तक नहीं पहुंच रही, इस बात का जब आप जिक्र कर रहे हैं। इन्हीं सबके बीच में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अब उनके पक्ष में फैसला दिया है और उनकी सांसदी अब बहाल हो जाएगी, जो उनकी मेंबरशिप हो जाएगी। आज राहुल गांधी जी से बातचीत हुई, बधाई देंगे उनको? देखिए, पता क्या, अगर हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है तो फिर संविधान या लोकतंत्र कहाँ है फिर? मतलब ये तो वो बात हो गई ना, क्रिकेट के मैच में वो DRS आ गया, मैंने पता चले गए, DRS आ गया क्रिकेट में, जो वो प्लेयर लेता है कि रिव्यू लेता हूं मैं, कितने गलत फैसले अंपायरों के DRS ने ठीक किए, कितने करियर बच गए उससे कि नहीं ये आउट नहीं था, अंपायर ने आउट दे दिया, बाद में अंपायर ऐसे करता है कि गलती है मेरी, या फिर अंपायर ने आउट नहीं दिया, DRS ले लिया बॉलिंग टीम ने तो आउट भी करना पड़ता है उसको, फैसला फिर बदलना पड़ता है। कितने फैसले गलत हो गए या कितने फैसले, कितनों के करियर बर्बाद हो गए, कितनों के बन गए। तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर DRS हो गई, जब हमें लोकतंत्र से लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिलते राज्यों को तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है DRS ले लो जी। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं ये फैसला आपका गलत था, आपको ये सेंटर सरकार को चाहिए ये दो। अभी हमें RDF का पैसा लेने के लिए, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा लेने के लिए DRF लेना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं हम, हमारा ही पैसा है, हमारा पैसा हम ही देते हैं, हम ही पैसे वापस नहीं देते ना GST के ना RDF के। RDF का पैसा क्या है? RDF का पैसा जब चावल देते हैं हम, ये उसके बदले में जो हमारे फीस है, मार्केट फीस है वो है। मैं तो ये पूछ रही थी आपसे, राहुल जी को बधाई दी आपने? अगर भाई इनका बस चले तो पूरी, अभी संजय जी को भी बधाई देनी है, उनको भी बहाल हो लेने दो, बधाई होगी बिल्कुल, मैं बधाई दूंगा राहुल जी को कि उनको मतलब वो चुने हुए हैं। ये कौन होते हैं सस्पेंड करने वाले,
सस्पेंड करने में तो इतनी देर नहीं लगाते, उनका बंगला भी छीन लो, उनका घर उनका निकाल दो बाहर, और सस्पेंड करने में 5। संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया क्या? अगर हाथ उठाकर बोलने का टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा आगे जाके बोलने का टाइम ले लिया, चलो जी सस्पेंड। और बीजेपी को ये भूलना नहीं चाहिए, 2014 में सरकार बनने से 6 महीने पहले सारी बीजेपी 6 महीने तक लोकसभा के बेल में रही है, सारी बीजेपी बेल में थी, और हमें कहते हैं बेल में मत आओ। अब बात ही नहीं सुनी जाएगी अगर लोकसभा में, तो लोकसभा मैं हैरान हूं, लोकसभा में जो फैसले होते हैं, बिल पास कैसे होता है? बिल पास होता है, हम चिल्लाते रह जाते थे सर डिवीजन, सर वोटिंग करवा लो, नहीं कैसे बिल आज भी ऐसे होगा देख लेना, 5-6 बजे हो जाएगा राज्यसभा देख लेना। जो इस बिल के पक्ष में हां कहें, जो इस बिल के पक्ष में ना कहें, मेरे ख्याल में हां वालों की जीत हुई, हां वालों की जीत हुई, चलो जी। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं बताता हूं लोकसभा में क्या हुआ, कोई बिल आया तो उसमें कोई पैनल के स्पीकर थे, जो उप चेयरमैन उप स्पीकर होते हैं, वो बैठे थे। अब उन्होंने कहा कि जो इस बिल के पक्ष में है वो हां कहें, इधर देख के, उधर तो सरकार बैठी होती है, इधर विपक्ष होता है। उन्होंने कहा जो इस बिल के पक्ष में है वो हां कहें, उन्होंने हां बोल दिया, जो इस बिल के पक्ष में है वो ना कहें, मेरे ख्याल में फैसला हां वालों के पक्ष में हुआ, हां वालों के पक्ष में हुआ। मैं खड़ा होकर मैंने कहा सर मैंने भी हां कहनी थी, कहते फिर बोले क्यों नहीं, मैंने कहा आपने मुंह उधर कर लिया ना सर, आपको आपको पहली कैसे पता चल जाता जी हां कहेंगे, आपको कैसे पता चल जाता है हां कहेंगे, आपका स्पीकर हो कस्टोडियन हो, सीधा देख के कहो ना जो इस बिल के पक्ष में हां कहें, जो इस बिल के पक्ष में नहीं है वो ना कहें, तो फिर उसके बाद बता दो कि मेरे ख्याल में हां वालों की जीत हुई, और उसमें भी मेरे ख्याल में भी श्योर नहीं होता वो, आई थिंक आईज हैव इट, आईज हैव इट, चलो जी। सो लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश, जब विदेशों में कुछ ऐसी खबरें सुनते हैं कि वहाँ की सरकारों में या वहाँ के जो संसद हैं उसमें हमारे देश की वायलेंस की या फिरकापरस्ती की पोलराइजेशन की बातें चलती हैं, और हमारे देश में जो मणिपुर में घटना हुई, महिलाओं पर जो अत्याचार देश में हो रहे हैं, तब थोड़ा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ और करने की ज़रूरत है, कुछ देश बहुत महान है, कोई इसमें शक नहीं मेरा भारत महान, लेकिन उसको चलाने वाले जो हैं वो अगर अपना पर्सनल एजेंडा लेके चलाएंगे तो नहीं चलेगा। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र है, तो इसको षड्यंत्र या इसको मतलब राजतंत्र नहीं बनाना चाहिए। आपने अपने इस पूरे वक्तव्य में संसद की कार्यवाही से लेकर जिन तमाम मुद्दों पर बात की, बोलना मुश्किल हो गया है क्या आज के दौर में? अपने आप को एक्सप्रेस करना कठिन हो गया है क्या किसी के लिए भी? और अगर मैं इसको एक व्यंगकार की नज़र से भी कहूं कि पहले आप जैसे व्यंग रचा करते थे, क्या आज की तारीख में आप नहीं, आपके ही अगर कोई कंटेम्प्रेरी हो मानिए, तो वो उसी तासीर के साथ आज व्यंग रच सकते हैं आज के दौर में? कुछ हैं दलेर लड़के जो बोलते हैं, कुछ के खिलाफ तो केस भी कर दिया, एक राजस्थान का एक लड़का था मोदी जी की नकल, मोदी जी की तरह बोलता था, उसको उठा के जेल में डाल दिया। भाई जो जो व्यंगकार है उसका मतलब होता है कि वो व्यंग करता है, और व्यंग पर्सनल नहीं होना चाहिए, व्यंग वो अच्छा होता है जिस पर किया गया वो भी उसको इंजॉय करे, लेकिन ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसके बारे में बोल ही नहीं सकते जी, ये लफ्ज बोल ही नहीं सकते जी। तो आपको लगता है माहौल है आज? हाँ ऐसा लगता है आपको? जी जी, मैं अभी मुंबई जब गया था तो वहाँ पे मेरे पुराने दोस्त मिले जो लफ्टर चैलेंज वगैरह करते, कहते आजकल लफ्टर चैलेंज की शूटिंग के समय हमारे पास एक लिस्ट आती है, ये लफ्ज आप बोल नहीं सकते, मतलब ये तो फिर मतलब ये डेमोक्रेसी कह डेमोक्रेसी बात कह रहे हैं आप, ये लिस्ट बनती है कि ये शब्द यूज नहीं होंगे, हाँ ये शब्द नहीं बोल सकते आप, आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप? मतलब जैसे कि आप मोदी नहीं बोल सकते, आप एनडीए नहीं बोल सकते,
आप काला धन नहीं बोल सकते, 15 लाख नहीं बोल सकते, 14 बोलो या 16 बोलो। लेकिन अगर मैं इस फील्ड में होता मैं तो नहीं रुकता था। मंच खुला है आपके लिए आज, मैं तो बोल देता। आज मंच खुला है आपके लिए। मैंने तो सबसे पहले ही दिन मैंने तो पूछ लिया था संसद में जाते ही, मैंने कहा बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं। आए ही नहीं अच्छे दिन। हाँ मुझे अच्छे दिन का तो नहीं पता पंजाब में कब आएंगे, लेकिन इतना मुझे जनता पर यकीन है, विश्वास है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी वाले सच्चे दिन जरूर आ चुके हैं पिछले 1.5 साल से। और करप्शन पे हमने रोक लगाई है, हमने एंटी करप्शन एक नंबर दिया है, हमने बहुत से ऐसे एफर्ट किए हैं, एक सड़क सुरक्षा फोर्स बना रहे हैं नई, जो सिर्फ सड़कों पर वो पुलिस रहेगी। हम चाहते हैं कि जो है पंजाब है वो हर तरफ से जो है वो हरा भरा और रंगला बने। और पंजाब की तमाम जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए समय मिलता है? पंजाब अपना ही है तो सारा समय पंजाब का मेरा अपना ही है। अगर पंजाब के लिए मैं समय निकालता हूँ समझ लो मैं अपने लिए निकालता हूँ। चलिए इन सब के बीच बच्चों से मिलने का समय मिलता है? मतलब उनके लिए टाइम निकाल पाते हैं? नहीं मैं तो खैर फैमिली में तो मैं हर रोज घर पे ही जाता हूँ, मम्मी है घर पे, मम्मी कभी गाँव में जाती है। आम लोग हैं हम लोग वो नहीं है महलों वाले, तो मम्मी गाँव में रहती है बहुत ज़्यादा देर, वहाँ भी लोग आ जाते हैं वो काम होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो वाले नेता, वो नेताओं का टाइम चला गया जिनको छूने के लिए भी मतलब आपको कई सालों लग जाते थे, अब तो पब्लिक में जो रहेगा वही नेता है। मम्मी ने कभी ऐसा कुछ बोला कि बेटा ये ठीक नहीं किया ऐसा करना चाहिए था? जैसे माएँ अक्सर मीठी सी डांट लगा देती हैं, ऐसे आपको कभी फ़ोन करके? मेरी मम्मी की, मेरी माँ की इंटरव्यू करोगे ना तो आप मुझे भूल जाओगे, मतलब मैं तो घर में सबसे कम बोलने वाला हूँ। तो मम्मी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। चलिए कोशिश रहेगी कि आगे से मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि माँ का जो रिश्ता है ये सबसे लिखने में सबसे एक अक्षर का है बस माँ, बाकी सारे रिश्ते आप बाप लिखोगे 2 अक्षर हैं, आप फुफ्फा लिखोगे 2 हैं, भूआ लिखोगे 2 हैं, ननान जवाई सब 2-3, एक लफ्ज़ है सिर्फ माँ। और इसको दुनिया में कितने दानिश्वरों ने कितने राइटरों ने कोशिश कर ली, माँ के रिश्ते को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जिस घर में माँ है तो बोला जाता है हमारे पंजाबी में कि जिस घर में माँ है उस घर में परमात्मा बसता है। और एक पंजाबी का एक गीत है उसमें भी ये कहा गया है कि जानदा तुरिया जानदा जिस घर माँ ना होवे रब फेर के मुंह लंघ जांदा। सो मैं इस गल तो पिताजी मेरे नहीं हैं दुनिया में, लेकिन माँ को जब मिलता हूँ तो मेरी माँ को पत्रकारों ने पूछ लिया कि भगवंत मान तो 2-2 महीने आपको मिलते ही नहीं है। कई बार जो कंपेन में जब मैं था तो 2-2 महीने नहीं मिल पाते थे, तो फिर आपको कैसा लगता है? उसने जो बात कही वो भी टचिंग थी, कहती कोई बात नहीं मुझे नहीं मिलता लेकिन हर रोज माओं को तो मिलता है ना, कहीं ना कहीं माओं को तो मिल रहा है ना, तो कोई बात नहीं मैं जन्म देने वाली हूँ वो कर्म वाली हैं, माओं को तो मिल के आता है। और एक और अच्छी बात, गांव में हमारा जो घर है वो वैसे ही पुराना घर है, जद्दी घर है, तो माँ की इंटरव्यू करने के लिए कोई यूट्यूब का कोई पत्रकार जो यूट्यूब के चैनल बने तो उसने बैकग्राउंड पे पीछे जो दीवार थी थोड़ा ईंटें नज़र आ रही थी टूटी फूटी, तो उसने कहा जी आप तो मुख्यमंत्री की माँ बन गई हो, ये देखो पीछे दीवार का हाल, अब तो ठीक करवा लो। तो मेरी माँ ने कहा इस घर पे किसी भी दीवार पे हथौड़ा नहीं चलेगा। जी क्यों नहीं चलेगा? उसने कहा पता नहीं कौन सी किस्मत वाली ईंट इस घर में लगी हुई है कि मेरे बेटे को इतने ऊपर इतने बड़े अहदे पर पहुंचा दिया। सो हम तो दो वक्त अरदास करने वाले और सर्वत का भला मांगने वाले लोग हैं जी, परमात्मा समत बख्शे, काम करते रहें।
बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अब जो बात आपने बोली उसके आगे अब किसी और सवाल की गुंजाइश फिलहाल नहीं है, लेकिन आपने हमें समय दिया, आप मंच पर आए और इतने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अगर आप अपने अंदाज में, जो आपके भीतर का साहित्यकार है, जो व्यंगकार है, उसके अंदाज में अगर आप यूथ के लिए या पंजाब के लिए कोई मैसेज देना चाहें। मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब के लोग पोएटिक अंदाज हो तो और बेहतर। अच्छा, पोएटिक अंदाज में चाहते हैं तो मेरा, मैं लिखता रहता हूँ, खुद भी काफ़ी कुछ लिखता रहता हूँ तो पढ़ता भी रहता हूँ, लेकिन वो है कि एक सुजीत पात्र साहब का शेर है, हमारे बहुत बड़े शायर हैं पंजाबी के, उन्होंने लिखा है कि की होया जे पतझड़ आई, ये उम्मीद का शेर है, उम्मीद का, की होया जे, क्योंकि पंजाब बहुत बार गिरा है लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी तो है ना, तो की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत्त विच यकीन रखी, मैं लब के लियाना कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।